हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर के प्यारा चौक में जुए और सट्टे की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश की ओर से वार्ड के गणमान्य लोगों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाली शहर के प्यारा चौक में मंगलवार को यहां के जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और वार्ड के लोगों की उपस्थिति में पुलिस विभाग की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने जुए सट्टे पर अंकुश लगाने के साथ साथ देर रात तक खुले रहने वाले बाजारों को 11 बजे तक बंद करने के लिए भरोसा दिलाया। राहुल प्रकाश ने कहा कि जुए सट्टे सहित अन्य आपराधिक मामलों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञात रहे कि यहाँ पर जुए सट्टे की शिकायत करने वाली एक महिला को उसके परिवार के साथ 3 दिन पहले घर पर हमला कर बेरहमी से मारपीट की गई थी। उसके आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में यहाँ के लोगों ने पूरे प्यारा चौक क्षेत्र में जुए सट्टे के चल रहे अड्डों को बंद करवाने की मांग की। वहीं कैरम के खेल भी रोकने को कहा है। इस अवसर पर यहाँ के लोगों ने यातायात सहित अन्य समस्याओं से भी अवगत करवाया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शहर छोंगसिंह देवड़ा, कोतवाली प्रभारी गंगाराम खाबा, यहाँ के स्थानीय पार्षद और मोहल्ले के लोग भी शामिल थे। यहाँ पहुँचने पर पुलिस अधीक्षक का स्वागत भी किया गया। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।